जब मेरे बाबा भोलेनाथ हिमाचल नगरी में जाते हैं और रूप कैसा बनाते हैं, जटा में गंगा भस्म रमा के बिल्कुल पागलों सा भेष बना लेते हैं, और जैसे ही हिमाचल नगरी में प्रवेश करते हैं तो नगरवासी देख देख करके भाग जाते हैं। भूत प्रेतों का टोल, शमशानों का खाड़ा, कोई बिना पैरों का, कोई बिना हाथ का, किसी के पैरे नहीं है, कोई इतना मोटा, कोई ठाटा, तो ऐसे में देख देख करके नगरवासी सब अपने घरों में भाग जाते हैं। और नगर में चर्चा छिड़ जाती है, वो बात हिमाचल के घर मैनावती तक पहुंच जाती है, और मैनावती की सखी कहती है कि हे माँ, हे पार्वती, तूने कैसा दूल्हा ढूंढा, ओ नाथी मेरा ब्याह मन आया जी, हे जी हिमाचल की नगरी में। तो कैसे वर्णन करती हैं, क्या बताया, नाथी मेरा नाथी मेरा भावन आया जी, हे जी हिमाचल की नगरी में। नाथी मेरा भावन आया जी, हे जी हिमाचल की नगरी में। नाथी मेरा भावन आया जी, हे जी हिमाचल की नगरी में। भेष बनाया, वेदना समझ में आया जी, हे जी हिमाचल की नगरी में।
भगवान शिव की बरात ऐसी थी। शमशानों का भी चलिया अखाड़ा, शमशानों का चलिया अखाड़ा, फटे पुराण को कति उखाड़ा, देख के बदल की काया जी, माँ चल की नगरी में देख के छिड़गी। जब पार्वती माँ तक शिकायत पहुंची, मानावती तक शिकायत पहुंची कि नगरी में ये हाल हो रहा है कि जो दूल्हा हमारी नगरी में पार्वती को ब्याह आया, नवलखति नहीं, मेरी बेटी ने कौन से कर्म करे थे ऐसे। जब मानावती ने उसके बारे में सुनिया तो मानावती कहने लगी कि मेरी बेटी ने कुएं में लेकर कूचू जहर खुआ कर मार दू, मगर इसी मोटे गला नहीं ब्याह। मेरी बेटी ने ऐसे कौन से कर्म कर दिए, राज फूल सी राज दुलारी से मोटे गला है, कड़े 18 साल की कड़े 60 साल का बूटा, मैं मेरी बेटी ने इसी गला ना ब्याह। तो जो भगवान शिव को ये खबर पहुंची, देवताओं में चर्चा चली इस बात की कि मैनावती ऐसे ऐसे बात परिवार में छिड़ चुकी हैं, तो सभी देवगण भगवान शिव के पास जाते हैं और समझाते हैं कि हे देव, हे भगवान, हे स्वामी, आपने जो भयानक रूप बना करके आप चल रहे हो, अपना असली रूप में आओ। सभी देवताओं की प्रार्थना के बाद भगवान शिव अपना दूल्हा बना लेते हैं और रूप बना लेते हैं, चंद्रमा जी विराजमान हो जाते हैं और नगरवासी देखते ही देखते रह जाते हैं। उस भगवान शिव की लीला का वर्णन करते हैं तो पार्वती कहती है क्या, वो नगरवासी के मां कर में फूट गए, नगरवासी के कर में फूट गए, नगरवासी के कर में फूट गए, मारे देवता सभी रूठ गए, मारे देवता सभी रूठ गए। पार्वती की माँ कहती है, मैनावती, हे मेरे देवताओं, हे पितरों, हमने कौन सी से खोट करे थे जो मेरी बेटी ने साथ दूल्हा मिला। क्या कहती है, वो नगरवासी कह कर